हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल क्रेविंग्स पर। व्रत में अगर आप एक ही तरीके की चीज़ें खा करके बोर हो चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है, ये खाने में जितनी टेस्टी होती है इसे बनाना उतना ही आसान होता है। और इस रेसिपी को आप नाम क्या देंगे ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो इसे बनाने के लिए लिया है मैंने 100 ग्राम साबूदाना। इसे अच्छे से पहले 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है और फिर एक ब्लेंडिंग जार में पानी के साथ इसको पीस लिया है। अब इस रेसिपी में आप चाहें तो भीगे हुए साबूदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 घंटे पहले सोक किया हुआ साबूदाना है तो आप उसको भी इस तरीके से पीस करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हमने तुरंत ही पीस लिया है बिना सोक किए, तो इसमें हल्के हल्के से आपको साबूदाने के चंक्स नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप सोक करके यूज़ करेंगे तो बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार होगा। तो मर्ज़ी आपकी है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़े से बोल में लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू ग्रेट करके ही आलू लीजिएगा। के बाद 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और फिर ऐड किया है सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से। इसमें आप खड़े जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो हमने साबूदाने का पेस्ट तैयार किया था। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है, तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करने के लिए। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 ग्लास के करीब पानी, और पानी डाल करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी ऐड करने के बाद अब इसकी जो कंसिस्टेंसी आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को 4 गुना बढ़ा देगी। इसमें मैंने ऐड किया है 5 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने। इनको ऐसे ही कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, आपको इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची मूंगफली को ही हल्का सा क्रश कर लें और फिर इसमें ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद अच्छे से सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लें। और ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। अब इसको हम बना लेंगे, आप चाहें तो इसकी पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके अप्पे भी बना सकते हैं। व्रत वाले अप्पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका आज मैं बनाऊंगी चीला या पराठा भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच देसी घी, और फिर थोड़ा सा मिक्सचर को डाल करके जैसे चीला फैलाते हैं उस तरीके से फैला लिया है और धीमी आंच में इसे सिकने दिया एक तरफ से, और जब ये सिक जाए तो पलट करके इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और आप इसको क्या नाम देंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक चीला पराठा जो आप बोलना चाहें बन करके तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा भी प्रिपेयर कर लिया है। तो पहले पैन में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, फिर थोड़ा सा मिक्सचर डाल करके फैला लिया है और धीमी आँच में इसको सिकने दिया है। जब एक साइड से सिक जाए तो पलट करके दूसरी साइड से भी सेक लिया है, और ये देखिए, ये हमारा दूसरा चीला भी बन करके तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि आप इनको केवल व्रत में ही बना करके खा सकते हैं, इसे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सॉफ्ट चीले बन करके तैयार हो गए हैं। इसे मैंने सर्व किया है टमाटर और धनिया की चटनी के साथ, आप चाहें तो इसको दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये चीले, तो ट्राई दीजिएगा आप इस रेसिपी को एक बार। और वीडियो किसी भी स्टेज में अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।